Yes, dear students, the next topic is parts of cell. Students, cell structure में जो बाहर की membrane होती है इसे बोलते हैं cell membrane, और उसके अंदर का ये जो पूरा portion होता है इसे बोलते हैं protoplasm. Means protoplasm किस चीज़ का बना होता है? cytoplasm and nucleus. ये जो बाहर का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये बीच का हिस्सा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं. ये जो छोटी छोटी हैं आपको ये नज़र आ रही हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं. यही डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं सेल में. अब सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. Every living cell is bounded by a membrane called plasma membrane or cell membrane. हर living cell के बाहर की जो membrane होती है उसे हम क्या बोलते हैं? Cell membrane. चाहे वो plant cell हो, animal cell हो, सब में cell membrane जरूर होती है. अब इसका क्या काम है? It control entry and exit of substance as per the requirement of the cell. Means cell के accordingly कौन सा substance अंदर जाना है या कौन सा बाहर जाना है वो इसी के द्वारा control होता है. Next है cell wall. Plants में, fungi में और bacteria में, इन तीनों में इस cell membrane के बाहर एक और membrane होती है जिसे हम बोलते हैं cell wall. सेल वॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल. हार्डनेस देती है और सेल को बचा कर रखती है जो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सी वेरिएशंस होती रहती है उनसे इसको बचा कर रखती है सेल को. इट आल्सो गिव अ डेफिनेट शेप, साइज एंड सपोर्ट टू द सेल. ये इसका फंक्शन है सेल वॉल का. It provide rigidity and protection to the cell. Number two, it gives definite shape, size and support to the cell. Students, आपने अभी ये बाहर की cell membrane और उसके बाहर एक और covering होती है जो cell wall, इसके बारे में पढ़ा. अब आपको बताती हूँ cytoplasm. ये जो nucleus के बाहर वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ये आपको इस डायग्राम में ब्लू कलर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म. द पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वन सेकेंड बेटा, प्रोटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को दोनों को मिला के, लेकिन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है दैट इज़ द साइटोप्लाज्म. It act as ground substance for all the cell activities. इसी portion में सभी organelles होती हैं और सभी अपना function करती हैं. It is made up of, अब देखो ये किस चीज़ का बना होता है? Carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, along with large proportion of water. Now next comes nucleus. ये जो cell के अंदर का हिस्सा, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. बेटा जैसे आपकी बॉडी में आपके हार्ट का काम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे ही किसी भी सेल में न्यूक्लियस का काम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. ये आमतौर पर सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये पेरिफेरल पोजीशन में होता है. पेरिफेरल मीन्स एक साइड में हो जाता है, क्योंकि उसमें वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है इसलिए साइड में शिफ्ट हो जाता है. इसके बारे में आप आगे भी पढ़ लोगे. वंस अगेन, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, और इन सम केसेस इट ऑक्यूपाई पेरिफेरल पोजीशन. नाउ द न्यूक्लियस इज़ अ डेंस स्ट्रक्चर बाउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब इधर देखो, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर का ये जो मटेरियल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म.
इट हैज़ अ थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन। इसमें पतले पतले धागे होते हैं, पतले पतले धागे होते हैं थ्रेड की तरह, उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। व्हेन द सेल इज़ रेडी टू डिवाइड दिस क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जब सेल को डिवाइड होना होता है, जब इसके डिवीजन होते हैं दो हिस्सों में, उस टाइम पर ये क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होते हैं और श्रिंक होते हैं और क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। क्रोमोसोम्स से ही करेक्टर जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे आपके फीचर्स अगर आपके पेरेंट्स से मिलते हैं तो वो किसके थ्रू आए हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू आए हैं। आप हेयर का कलर है, आपकी स्किन कलर है, आपके नोज की शेप है, तो ये सारे के सारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो करेक्टर जा रहे हैं वो किसके थ्रू जा रहे हैं, वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जाते हैं।